गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल पैंथर 11। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीएल बास्केटबॉल के रिगार्डिंग बात करेंगे। आज जो मैच खेला जाएगा यहाँ पे एलोवेरा हॉक्स वर्सेस आपको क्रेपन्स टाइबन्स के साथ ये मैच खेला जाएगा। इस वीडियो में हम एसएल और जेल के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोनों टीमों की स्टैंडिंग की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो दोनों टीम की जो स्टैंडिंग है, यहाँ पे टाइबन्स की टीम 3 नंबर पे स्टैंडिंग है, बेहतरीन परफॉर्म करके आ रही है। 16 मैचेज में 10 मैच जीती हुई, 6 मैच इनका लॉस रहा है। और सेकंड यहाँ पे एलोवेरा की टीम जो सबसे लास्ट पैदान पे है, जिन्होंने 16 मैच में मात्र 2 मैच जीते हुए और 14 मैच इनका लॉस रहा है। हेड टू हेड मुकाबले में भी यहाँ पे टाइबन्स की टीम मजबूत नजर आ रही है। अब गाइस बात करते हैं दोनों टीमों की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो आपको एलोवेरा हॉक्स की तरफ से यहाँ पे टी हार्वी जो बेहतरीन परफॉर्म कर लास्ट मैच वैसे भी हार के आ रहे हैं, इनके तरफ से स्टार्ट किए थे टी हार्वी 28 पॉइंट, 2 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 2 इनके स्टील थे। और गाइज यहाँ पे फेजर की बात करें 30 पॉइंट इनके कनेक्ट हुए थे, 4 रिबाउंड, 2 इनके असिस्ट थे। फ्लोरिंग बेहतरीन परफॉर्म करके आ रही, 19 पॉइंट इनके कनेक्ट हुए थे और 13 रिबाउंड से 3 असिस्ट और 2 इनके स्टील थे। डेंग की बात करें 15 पॉइंट कनेक्ट हुए थे और 12 रिबाउंड थे इनके, 1 असिस्ट, 1 इनके ब्लॉक थे। और गाइज यहाँ पे पी सी वा की बात करें जो स्टार्ट किए थे 6 पॉइंट, 3 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 1 इनके स्टील थे। सेकंड यहाँ पे बात करते हैं बुल की, जो जिन्होंने 21 मिनट्स प्ले किए थे 3 पॉइंटर और 2 इनके असिस्ट से। मैटिंग की बात करें जिन्होंने 20 मिनट्स प्ले किया था 10 पॉइंटर और 7 इनके रिबाउंड थे गाइज। और डेंग की बात करें 11 मिनट्स प्ले करके आ रहे, 2 पॉइंट और 1 इनके असिस्ट से, 1 इनके ब्लॉक थे। सेकंड टीम की गाइज यहाँ पे बात करते हैं टाइपन्स की, जिन्होंने लास्ट मैच ये जीत के आ रही है 3 पॉइंट से जीते थे और इनके तरफ से जो परफॉर्म किए थे स्कॉट जिन्होंने 33 मिनट्स प्ले किया था, 31 पॉइंटर, 41, 4 असिस्ट, 1 इनके ब्लॉक थे। वंडरबाग की बात करें 31 मिनट्स प्ले करके आ रहे, 10 पॉइंट, 41, 1 असिस्ट, 1 इनके ब्लॉक थे, 1 इनके स्टील थे। मैकॉल की बात करें 30 मिनट्स प्ले करके आ रहे, 19 पॉइंट, 3 रिबाउंड, 5 असिस्ट, 1 इनके ब्लॉक थे, 2 इनके स्टील थे। और गाइज हॉक की बात करें 30 पॉइंट इनके कनेक्ट हुए थे, 4 रिबाउंड, 4 असिस्ट, 1 इनके ब्लॉक थे। गाइज बिकॉल की बात करें जिन्होंने 2 पॉइंट, 41, 1 इनके असिस्ट थे। बेन से प्ले करने आए थे बी आयर, जिन्होंने 18 मिनट्स प्ले किया था, 8 पॉइंट, 2 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 1 इनके स्टील थे। और यहाँ पे डेवी की बात करें 12 मिनट्स प्ले किया था, 5 पॉइंट, 1 इनके स्टील थे। एम डेंग की बात करें 9 मिनट्स प्ले करके आ रहे, 3 पॉइंट, 1 रिबाउंड, 1 इनके असिस्ट, 1 इनके स्टील थे। इनका भी परफॉर्म बेहतरीन रहा था। अब गाइस बात करते हैं दोनों टीम के तरफ से आज के मैच में जिस प्लेयर्स को हम लोग एसएल और डीएल में पिक करेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट गाइज इससे पहले आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फाइनल एसएल टीम आने वाली है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री टीम होती है गाइज, आपको यहाँ पर बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाला है। और ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिलेगा, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। या गाइज आप सर्च कर सकते हो @PanthER11ABC और ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल। बिल्कुल फ्री टीम होती है अपने टीम में, यहाँ पर आप ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो हमारे टीम से। गाइस बात करते हैं सबसे पहले अब हम लोग पॉइंट गार्ड सेक्शन से जिस प्लेयर्स को हम लोग पिक करेंगे इसके रिगार्डिंग बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपको टीम में कॉल जो स्टार्ट करेंगे बेहतरीन ऑप्शन अपने टीम में ट्राई कर लीजिएगा। पी सी वा का कोई खास परफॉर्म लास्ट मैच नहीं रहा था, वैसे चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो, जी एल टीम में ट्राई कर लेना। एल्डेंग आपको स्टार्ट करेंगे बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं, 6 क्रेडिट में अवेलेबल है, हाई की भी आपको हो सकते हैं, ये भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। शूटिंग गार्ड से गाइस बात करते हो जो रिविजन लास्ट मैच वैसे ये नहीं प्ले किए थे, अगर प्ले करते तो ट्राई करना, यहाँ पे स्कॉट बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। फेजियर आपके लिए अपने टीम में आप इनको ट्राई कर तो बेहतरीन ऑप्शंस आपके टीम में ये बनने वाला है। गाइज यहाँ पे स्मॉल फॉरवर्ड से बात करते हैं डी हॉन्ग जो अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं, टी हार्वी को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो गाइज, बेहतरीन ऑप्शन ये भी बन सकते हैं। जी किंग की बात करें कोई खास परफॉर्म इनका नहीं रहा था, गडीडा की बात करें क्रेडिट मैनेज के लिए इनको ट्राई कर सकते हो। पावर फॉरवर्ड से गाइज आपको यहाँ पे डी डैंग बेहतरीन ऑप्शन जो ये आपको बेन से प्ले करेंगे, लास्ट में जो वैसे स्टार्ट किए थे, बी कॉल भी स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, रिबाउंड असिस्ट दोनों करते हुए नजर आते हैं, अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। एमडिंग भी बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। वॉल की बात करते हैं ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, अपनी टीम में ट्राई कर लेना। और गाइज सेंटर से हम बात करते हैं, सेंटर से गाइज यहाँ पे लिख सकते हैं के पिंटर जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, अपनी टीम में इनको ट्राई कर लेना, जो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं, अपनी टीम में इनको ले लेना। एस फ्लोरिंग जो आपको लास्ट मैच अच्छे खासे परफॉर्म करके नजर आ रहे हैं, अपनी टीम में इनको ट्राई कर लेना, जो आपको अटैकिंग प्ले करते हैं, 3 पॉइंटर शूटर है, अपनी टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। वंडरबक की बात करते हैं स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, अपनी टीम में इनको ले लेना, क्योंकि ये स्टार्ट करेंगे अटैकिंग प्ले करेंगे, अपनी टीम में इनको ट्राई कर लेना। अब गाइज टीम की बात करें तो टीम एकॉल को अपनी टीम में ट्राई कीजिए गाइज, यहाँ से आप स्कॉट को फेजियर को टीम में ट्राई कर सकते हो जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे हॉन्ग अगर प्ले करते हैं तो हॉन्ग को ट्राई कीजिए, और हार्ड भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तो स्कॉट को आप यहाँ से आप ड्रॉप कर सकते हो गाइस। यहाँ पे आपको एस फ्लोरिंग रहने वाले, वंडरबक्स रहने वाले जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, और यहाँ पे आप डिंग के साथ जा सकते हो, और लास्ट में यहाँ पे आपके 6.5 क्रेडिट बचते हैं, तो गाइज यहाँ पे आप एल डेंग के साथ अपनी टीम को ट्राई कर लेना। कैप्टनसी के लिए गाइज आपके पास बेस्ट ऑप्शन जो रहने वाला है यहाँ पे डी हॉक के साथ चले जाना, और यहाँ पे टीम एकॉल को आप पीपी ट्राई कर लेना बेस्ट ऑप्शन होगा, या हार्बी के भी आप साथ आप जा सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हो। वैसे गाइज ये हमारी सेट टीम है, फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आने वाली फाइनल सेट टीम या मैच से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर
पोस्ट कर दिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री टीम होती है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से या कमेंट सेक्शन में पिन किया होगा, डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो और प्लेयर कर सकते हो हमारी टीम से। और गाइज, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप योर सपोर्ट विद पेंथर।